अस्सलामुअलैकुम नासीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी वीडियो में। आज दरअसल हमारा इत्तफाक़ हुआ है वाटर फ्रंट मार्केट आने का, जो कि डेरा के अंदर मुकीम है। ये वाटर फ्रंट मार्केट आने का मकसद ये है कि आपको सारी चीज़ें जो है वो कलेक्टिवली एक जगह मिल सकती हैं। अब सारी चीज़ों से मुराद ये है कि आपको फ्रेश मीट, फ्रेश डेरी, फ्रेश वेजिटेबल और इवन लूलू मॉल भी यहाँ पर है, तो आपको लिटरली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द अफोर्डेबल मॉल इन डेरा। तो यहाँ देखिए, ये किड्स प्ले एरिया है। हम स्टार्ट करते हैं पहले वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट से, और उसके बाद फॉलोड बाय मीट डेरी एंड आपको फिश मार्केट जो है वो दिखाएंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, क्लोथिंग मटेरियल भी जो है वो काफ़ी पड़ा हुआ है, अगर किसी को आना है। और प्राइसिंग देखिए, इट्स डर्ट चीप एक्चुअली फॉर क्लोथिंग मटेरियल। आपको फुटवेयर वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे। आई मीन आई रिमेंबर दैट we came here, we found couple of footwear which was approximately 30 to 40 dirhams and wasn't more than that. aur kafi acche footwear hain, matlab obviously har product abhi chinese product hi hai, china ke alawa koi aisa country hai nahi jo itna dirt cheap koi bhi product jo hai wo banata hai. aur hum start karte hain yahan se vegetable market se. तो यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ आपको एक कंपैरेटिवली प्राइस बता सकूं कि कंपेयर टू सुपरमार्केट या हाइपरमार्केट आपको यहाँ पे जो है वो कितना सेविंग हो सकता है। अच्छा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा, ये आपको यहाँ पे डेरी प्रोडक्ट मिलते हैं फ्रेश, और यहाँ पे इनके पास काफ़ी सारे पिकल भी हैं। पहले जाते हैं और देखते हैं, देयर इज़ अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर आशिक हो आई एम एक्चुअली बाइंग माई डेरी प्रोडक्ट्स। अगर वो बंदा यहाँ पे है तो वी वुड डेफिनेटली मीट दिस पर्सन, और यहाँ पे इसके पास जो भी कलेक्टिवली डेरी प्रोडक्ट होंगे मैं बताऊँगा। आशिक भाई, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? आपका ताल्लुक़ कहाँ से? केरला से। ठीक है आशिक भाई, अपने जो है वो प्रोडक्ट के बारे में बताइए, आपके पास क्या क्या है? अंडे वाले, पिकल वाले, दूध वाले, मिल्क वाले। ठीक है, अच्छा ये अंडे की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो आपके पास पड़े हुए अंडे वो देसी वाले है? ये देसी है। ये कौन सा देसी है? घर वाले देसी है। आपके पास कोई और भी देसी है? फॉर्म वाले है, पर ये भी है देसी है। ये देसी फार्म वाला है। ठीक है, ये देसी घर वाला है। ठीक है, इसके अलावा आशिक भाई ये क्या है? ये छोटे जो अंडे पड़े हुए हैं ये क्या है? ये वाले कोयल से। अच्छा, कोयल, जिसको कोयल कहते हैं? बटेर कहते हैं। मैं माजत खाऊं, दरअसल मुझे अभी तक जो है कोयल और बटेर में फर्क नज़र नहीं आता है। अच्छा, ये बटेर के कितने हैं? ये वाले 30 पीस है, 10 रुपये 30 पीस जो है 10 रुपये में। बहुत ज़बरदस्त। ये नॉर्मली इस्तेमाल किसके लिए? प्रोटीन वगैरह के लिए होते हैं? प्रोटीन वाले। मैं समझ गया, 3 अंडे एक अंडे का। एक ज़बरदस्त। अच्छा ये आशिक भाई ये क्या पड़ा हुआ है आपके पास? ऑस्ट्रिच का है, और ये कितने का है अगर मैं पूछूं आपसे? ज़बरदस्त। इसके अंदर जर्दी, यू नो, योक्स एक ही होती है। ठीक है, आपके पास बतख वगैरह के भी होते हैं अंडे? आई थिंक लास्ट टाइम जब मैंने लिया था मैंने, आशिक भाई वो दानों वाला अंडा कौन सा है जो मैंने लिया था लास्ट टाइम? ये अंदर दो वाले है। नहीं, नॉट टू जर्दी, वो जो नहीं डॉट डॉट ऊपर था वो किस? टर्की वाला है। टर्की था, सॉरी, मैंने टर्की का खाया था आज सुबह। और ये वाला बतख अंडा। अच्छा, मेरे ख्याल से बतख के अंदर और चिकन अंडे के अंदर इतना कोई फ़र्क नहीं है, मैं समझ गया। ठीक है, और आपके पास जो है वो देसी घी भी है आशिक भाई? ये आपका जो है वो देसी घी है, इट्स एक्चुअली काओ फैट है ना, और ये केरला का होममेड है। मैं समझ गया। ठीक है, अच्छा ये शॉप नंबर है आशिक भाई का, ये शॉप नंबर ऊपर लिखा हुआ है, अतीक ओबैक फोक गुड सेलर। और ये आपका जो है वो एंट्रेंस है, एंट्रेंस से पहला जो है वो लेफ़्ट लेके ये शॉप नंबर 4 है, ये चेहरा है। आप मोबाइल नंबर अपना शेयर कर सकते हैं अतीक भाई? 056। ठीक है, 85 8 3। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी लूँगा, किसी भाई को चाहिए होगा अतीक भाई से रब्ता कीजिएगा। इनके पास देसी अंडे हैं, पिकल्स वगैरह पड़े हुए हैं, केरला के स्पाइसेस भी पड़े हुए हैं, और प्रोडक्ट की गारंटी जो है वो मेरी खुद की है।
और ये लास्ट आइटम जो मेरे ख्याल से ये कोकोनट ऑयल है ऑर्गेनिक। मैं समझ गया आशिक भाई, बहुत शुक्रिया मिलने का। अच्छा आपके पास शहद भी पड़ा हुआ है? शहद वाला इधर के फार्म वाला है, शहद यहाँ का बट लोकल है। और ये बॉक्स कितने का है? ये वाला इधर के 20 रुपये, 20 दिरहम का। और कोकोनट ऑयल का बॉटल 15 रुपये, 15 दिरहम का ये। ठीक है मैं समझ गया। चले किसी भाई को जो है वो चाहिए है आशिक भाई से जो है वो रब्ता कीजिएगा। आशिक भाई हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये आशिक भाई थे हमारे। हम लोग अमूमन जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, कोटेड चीज़ हो गया या दूध वगैरह हो गया, वो वहीं से लेते हैं। और अभी जिस मैं मार्केट के अंदर हूँ, ये आपका जो है वो फ्रूट मार्केट है। अच्छा फ्रूट मार्केट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि फ्रूट मार्केट जो होती है, कैसे भाई ठीक है? फ्रूट मार्केट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। दरअसल इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अवीर मार्केट के बारे में, दैट वाज द लार्जेस्ट फ्रूट मार्केट इन एक्चुअली दुबई। सो अवीर और यहाँ में फ़र्क ये है कि अवीर एक प्रॉपर सबसे बड़ी जो है वो मैं कह सकता हूँ फ्रूट की मंडी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 किलो टमाटर अवीर के अंदर जो है वो 10 दरम के मिलते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, 15 के होंगे। और किसी और नॉर्मल सुपरमार्केट के अंदर वही आपके जो टमाटर वगैरह हैं वो आपको 30 से 50 दरम में मिलेंगे। अच्छा ये थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, ये आपकी डेट मार्केट है। यहाँ पर आपको डेट्स की सारी प्रोडक्ट मिलेंगी। अजवा खजूर जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो काफ़ी पसंद करते हुए, अजवा के प्राइसेस मुझे पता है क्योंकि मैंने ली थी लास्ट वीक, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 25। इसके अलावा एक डेट है जिसका नाम है मजदून, MAJDOON, मजदून एक सीरियन और फलस्तीनियन डेट है। एंड उसका जो दाना है वो काफ़ी बड़ा होता है एंड दैट इज़ वेरी फ्लफ़ी, आई वुड नॉट से फ्लफ़ी बट काफ़ी सॉफ्ट होता है। बट एज़ कम्पेयर टू अदर डेट्स मैं प्रेफर करता हूँ मजदून, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेट आई हैव एवर टेस्टेड। इसके बाद आपकी आती है ये फ्रूट मंडी। फ़िलहाल यहाँ पे दरअसल मैं लास्ट वीक आया था मैंगोज़ के लिए और मैंगो यहाँ पे अभी है नहीं, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली इजिप्ट या यमन के मैंगो यहाँ पे मिलेंगे। इनका टेस्ट ठीक है कंपेयर टू इंडियन या पाकिस्तानी मैंगोज़, अगर मैं कहूँगा तो इतना ज़्यादा मीठा नहीं है, बट हाँ कंपेरेटिवली आपको जो है वो अच्छा मिल जाएगा यहाँ। बाकी ये है कि अल्फोंसो इट्स अ इंडियन बेस्ड मैंगो, अभी उसका सीज़न है नहीं, तो सीज़न में मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली एक महीना और लगेगा। पाकिस्तान के जो मैंगो हैं, जो आपके सिमली हो गया या चौसा हो गया, उसमें भी आने में वक्त लगेगा, सीज़न अभी है नहीं, वही मैं कहूँगा। तो अभी जो ऑल्टरनेट ऑप्शन यहाँ पर हमें दिया गया है वो इजिप्ट है और आपका यमन का। देखिए ये आप देख सकते हैं जो बॉक्स यहाँ पे है अप्रॉक्सीमेटली 30 से जो है वो आपको 35 दिरहम के बीच में ही मिल जाएगा। अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, अदरवाइज़ मार्केट जो है वो खुली हुई है मिडनाइट तक। आई थिंक ईद की वजह से मार्केट जो है वो जल्दी बंद हो जाएगी, तो इस चक्कर में मेरे ख्याल से एवरीवन इज़ जस्ट ट्राइंग टू वाइंड अप एंड देन गो होम। अच्छा ऑल द वे जो है वो आपका सेग्रीगेशन किया हुआ है ABC का। अच्छा अब चलते हैं द मीट सेक्शन और वहां पे आपको जो फ्रेश फिश भी मिल सकती है, तो सी यू देन। अच्छा यहाँ पे ये एक लास्ट चीज़ ऐसी है जो आपको दुनिया में कहीं भी जो है वो मुहैया नहीं होगी। यहाँ पे एक ऐसी शॉप है जिसमें आप अपनी फ़िश खुद ही बाय करके शॉप को हैंडओवर करते हो, दे विल ओनली चार्ज यू द अमाउंट फॉर कुकिंग, दैट्स इट, जो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 दिरहम ही है। और यू गेट टू टेस्ट द फ्रेश फिश फ्रॉम हियर। ये इस मॉल के बिल्कुल अपोजिट ही है, ये देखिए पूरा क्राउड आपका सेम ही है, एग्जैक्ट सेम क्राउड है। ये देखिए यहाँ पे टेबल हैं और इसके अपोजिट जो है वो सारे के सारे यहाँ पे टेबल हैं।
तो ये लोग वो लोग हैं जो फ्रेश फिश खाना पसंद करते हैं और इसी मॉल से लेते हैं, मतलब वाटरफ्रंट मार्केट से लेते हैं। मार्केट में लेने के बाद जो है दे जस्ट हैंड ओवर टू द शॉप, ईट, दैट्स इट।